हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड जॉय फूड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल मॉम एंड जॉय फूड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों राखी स्पेशल मिठाई। ये देखिए इस तरीके के हम लड्डू बनाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ ले रही हूँ बादाम, ये देखिए, और यहाँ मैं ले रही हूँ किशमिश, और यहीं साथ में मैं ले रही हूँ काजू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं ले रही हूँ खोया। आप इसको या फिर इसको आप लोग मेवा या मावा भी कहते हैं। और ये देखिए, ये घर का बना हुआ है और आपको आसानी से ये बाज़ार में भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, घर वाला जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वैसे बेटर होता है बाज़ार वाले से। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सूखा नारियल लिया था जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, बारीक कद्दूकस कर लिया है इसको मैंने, सूखे हुए नारियल को। तो ये लगभग एक कटोरी होगा। ड्राई फ्रूट जो है दोस्तों, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ आधा किलो सूजी जिसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है कढ़ाई में डालकर, घी डालकर उसको आप थोड़ा भून लेंगे तो वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए थे स्टार्टिंग में, तो उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ड्राई फ्रूट जो है हमारे हो गए हैं तैयार। इसको आप ऐसे क्रश करके डालेंगे तो इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े पीसेस हैं वो नहीं आएंगे और खाने में ईजी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बताती हूँ। यहाँ हम ले रहे हैं एक किलो तगार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शुगर का ही बना होता है, ये दानेदार होता है, आप इसको ले सकते हैं तगार कह के। तो ये भी आप डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह शुगर भी डाल सकते हैं या फिर जो बूरा होता है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं इसको एक किलो, क्योंकि ये उतना मीठा नहीं होता है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको एक किलो ले रहे हैं। ये देखिए, और हमने इसको अच्छे से छान लिया था, आप भी इसको एक बार छान लीजिएगा। तो चलिए अब इसमें है जो सूजी हमने भून कर रखी हुई थी वो ऐड कर देते हैं। तो आधी किलो सूजी जो हमने भून कर रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, हम सूजी को ऐड कर दे रहे हैं, और फिर जो हमने यहाँ पे सूखा नारियल क्रश करके रखा था, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कद्दूकस करके रखा था, तो उसको भी हम डाल देंगे इसमें, और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे करके, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और जो तकार है और जो सूजी हमने डाली है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे, और ये देखिए, और इसमें हम लगभग आधी किलो तक खोया ऐड कर देंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसमें खोया ऐड करते जाना है। पूरा आधी किलो खोया आपको आराम से इस पर ऐड कर देना है, और इस तरीके से आपको ये देखिए मिक्स करना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही जब आप इसके लड्डू बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, मैं लड्डू बनाने भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, इसमें मैंने अभी कुछ भी घी ऐड नहीं किया है, और फिर भी ये देखिए कितने इजीली बाइंड हो रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे लड्डू बन रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं घी को। इसको ऐसे भी बनाने का ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। इसमें जो खोया होगा वो फ्रेंड्स ताज़ा इसमें लगेगा, ताज़ा। अगर घर का बना हुआ खोया होगा तो इसमें आपको घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मार्केट का खोया ले रहे हैं तो उसमें आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस पर 1 से 2 बड़े चम्मच घी भी ऐड कर लीजिएगा, ताकि बाइंडिंग करने में अच्छा हो जाएगा और अच्छे से आपके छोटे छोटे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने लड्डू को अच्छे से बना लिया था, और उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। और ये फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी लड्डू बने थे, और इस तरीके की रेसिपी आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। ये होममेड रेसिपीज़ होती हैं फ्रेंड्स, तो केमिकल फ्री होती है और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, और हेल्दी होती है और आपके लिए खाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसी रेसिपीज़ अगर आप ब्रेकफास्ट में लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपके अंदर काफ़ी देर तक एनर्जी रहेगी।
तो इस तरह की रेसिपीज़ के लिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा दोस्तों और मेरी वीडियोज़ को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी राखी स्पेशल मिठाई, तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं चलती हूँ, फिर आपके लिए लेके आऊँगी एक नई रेसिपी।